अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? और यहाँ पे बतूल जो है ना सो रहे हैं। बतूल की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि बतूल ने खूब जो है ना शादियों में कोल्ड ड्रिंक्स ये वो सब चीज़ें खाई हैं, तो अब बतूल की तबीयत जो है ना ख़राब हो रही है। सुबह भी मैंने, रात को भी मैंने बतूल को दवा पिला के सुलाई, और सुबह भी जब मैं उठी तब मैंने इनको पिलाया, और अभी फिर भी इनको बुखार हो रहा है। और यहाँ पे सारे बिस्तर फैले हुए हैं क्योंकि बस अभी हम सो के उठे हैं, बस जल्दी से आज हमें शादी में जाना है, आज वलीमा है तो उसके लिए भी तैयारी करनी है, और आज हमारी मासी भी नहीं आई है पता है, तो नाश्ता कराती हूँ ज़रा मैं फातिमा को और बतूल को, फिर आपसे मिलती हूँ। क्या लगाऊँ? चीनी लगाऊँ? अच्छा ला मैं बटर लगा के दूँ, लगा दूँ बटर? अच्छा भाई, तो अब निकाल लेते हैं ज़रा कपड़े। मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे फातिमा के कपड़े, और फातिमा की जो ना मैंने सोचा था ये वाली फ्रॉक मैं फातिमा को पहनाऊँगी, ये बहुत प्यारी लगती है। तो मेरे हाथ दिख रहे हैं ना, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये देखें, ये डाई के हाथ हैं। ये जो डाई किया था मैंने कल परसों, तो उससे देखें सारा केमिकल मेरे नेल्स में चला गया, जैसे जो है ना मेरे नाखून में ऐसे इतने गंदे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है बहुत ही कोई मैल है, लेकिन ये देखें सारे मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं। और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरी रात नेल्स में इतनी तकलीफ़ रही है क्योंकि केमिकल था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं जो है ना ये वाले फ़्रॉक पहना दूँ फातिमा को, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है समझ में नहीं आ रहा कि अभी जाके मम्मा से पूछती हूँ। यही पहना देती हूँ मैं फातिमा को, या फिर एक काम करती हूँ तो बना देते हैं। तो भाई ये वाला कुछ ड्रेस है जो मैं आज जो है पहनने वाली हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत है और मेरा फेवरेट ड्रेस है। इसका जो दुपट्टा है ना इंतहाई हसीन है, और पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब भी बस मैं यहाँ पे इस्त्री कर रही हूँ, साथ साथ वीडियो भी व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। भाई अब निकाल लेते हैं थोड़ी सी ज्वेलरी, देखते हैं कि क्या निकालते हैं। एयररिंग्स तो हमें पहननी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है वो स्कार्फ होता है तो वो नज़र भी नहीं आती। हम देखते हैं कि क्या निकालते हैं। रोशनी में साटी बेटा, अभी देखते हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं। हम शादी में आ चुके थे और यहाँ इतना शोर हो रहा था, मैंने सोचा घर में भी थोड़ा सा रेडी होते वक्त व्लॉग शूट कर लूँगी, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि ज़ाहिर है जाने के लिए जल्दी इतनी होती है, बच्चों को रेडी करना फिर खुद रेडी होना। फातिमा इधर देखें, फातिमा मरमट बनी हुई है, दिखाएं दिखाएं, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे कपड़े हैं देखें, बतूल ने और मैंने मैचिंग की है। यहाँ से दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी, तो उन्होंने लाइट्स वगैरह सारी ऑफ कर दी थी, हम सब यहाँ अंधेरे में बैठे हुए शूट कर रहे थे व्लॉग। तो भाई हम लोग घर आ चुके थे, और घर पे आने के बाद शादियों में इतनी शदीद किस्म की गर्मी हो रही है, इतनी शदीद किस्म की गर्मी कि बस दिल चाह रहा है लॉन के कपड़े बंदा पहने, और ना कोई ज्वेलरी ना कोई मेकअप कुछ भी ना करे, और बस सीधा साधा उठा के जो है ना ले जाए। हालांकि मैंने फातिमा के लिए फैंसी फ्रॉक्स रखी थी कि फातिमा को फैंसी फ्रॉक्स पहना के लेके जाऊंगी शादी में और वलीमे दोनों में, लेकिन फातिमा को मैंने कुछ भी नहीं पहनाया, सिंपल मैंने फातिमा को पैंट शर्ट पहनाया और ले गई, ताकि इन्होंने फिर भी मुझे तंग किया, फिर भी ये बच्ची मेरी गोद में चढ़ी है। तो बस अभी हम घर आ गए थे, और यहाँ पे जो है फातिमा देखें क्या शरारतें करी। फातिमा चले सो जाए, चले लेटे जल्दी से आ जाए, टाटा कर दें, बाय बाय। इधर आए बोले, मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और यहाँ पे हो रही है सोने की तैयारी। और ये देखें भाई, ये जो है ना फातिमा का दूध, थर्मस में पानी वानी गर्म करके पैम्पर वैम्पर सब रखा है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।